अगर आपको जीवन के हर क्षेत्र को समझना है तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र का सटीक ज्ञान दे सकती है, और उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक। और इसी पवित्र ग्रंथ में से आज मैं आपको कुछ ऐसे विचार बताने वाला हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपके भटके हुए मन को एक सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उन विचार को शुरू करने से पहले आप एक तो गहरी सांसें लें और अपना पूरा फोकस मेरी आवाज पर रखें। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ कभी ना करें। वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य सोचा उसका कर्म है जो कि स्वयं उसके अपने हाथों में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है, और तभी उस व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता, बल्कि महान बनने के लिए उसे महान कर्म भी करने पड़ते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, बल्कि अच्छे तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक उस मनुष्य के जीवन के फैसले कोई दूसरा लेता रहेगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है न ही परलोक में। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। और जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के कर्म भी क्षीण होने लगते हैं तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास करवाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य सदी कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट लेते हैं। आपको सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में आप उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर बनती है। फैसला आपका है कि आपको चढ़ना है या फिर डूबना है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उस इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। और यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वो बन सकता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को इस बात का घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में
किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। अगर आपको जीवन में कभी झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, लेकिन किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे कभी मत झुकना। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। जिस प्रकार विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म होता है देश की रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और जिस मानव का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य उसे पूर्ण करना चाहिए। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से कई गुना बेहतर है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और अपने काम को समय पर करने की कोशिश करें। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में जीने में है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म तो वह है जिसका उपदेश कभी भी गलत ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन भला तुम क्यों रोते हो? तुमने जो खोया है क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि ये दुनिया कमजोर है, दुनिया को बनाने वाला नहीं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी भी चिंता नहीं सताती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज सदैव आपके बुरे कर्मों को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जो बहुत ही कम खाता है या फिर ज्यादा खाता है, जो बहुत ही कम सोता है या फिर बहुत ही ज्यादा सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय ना ले, भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं होता। जुआ, मदिरापान, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता और एक से ज्यादा स्त्री से संबंध रखना, इन सब में कलयुग का वास है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानी आती है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। और आखिरी विचार कि भगवान ने जिसे भी संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। इन सभी विचारों में से कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह के पॉजिटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।